चलती ट्रेनों में यात्रियों का सामान चोरी करने वाले गैंग के 14 वर्षों से फरार चल रहे मुखिया को लोहमार्ग पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा ने लुधियाना पंजाब से गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम करमन टोला जिला भोजपुर बिहार निवासी अजय कृष्ण सिंह उर्फ किशन लाल चावला बताया गया है। जानकारी के अनुसार चावला और उसकी गैंग सदस्य सहयात्री बनकर ट्रेन में सफर करते थे। वे रात सहयात्रियों की नींद का फायदा उठाकर सीट के नीचे चेन से बंधे लगेज को काटकर चोरी कर बीच स्टेशनों पर उतर जाते थे। वर्ष 2009-10 के दशक में इस गैंग ने ऐसी चोरियां की, जिनमें एक वारदात मध्य रेल नागपुर मंडल की भी है, ऐसी जानकारी मिली है। इसके अनुसार फरारी के दौरान वह ट्रेनों में चोरियों को अंजाम देता था। यह कार्रवाई GRP के SP डॉक्टर अक्षय शिंदे, अपर पुलिस अधीक्षक वैशाली शिंदे, उप विभागीय अधिकारी अनंत तार तथा PI कान पिल्लेवार वे मार्गदर्शन में API भिमटे पाली धोटे बांते ने की है। इसमें ऐसा है कि पिछले एक हमारे SP साहब अक्षय शिंदे साहब इनके आदेश पर नागपुर लोह मार्ग जिले में पाईजी और फरारी आरोपी पकड़ने के लिए एक मुहिम चालू हुआ। हमारे रिकॉर्ड पे जितने भी आरोपी है उनका पूरा बैकग्राउंड पूरा डाटा चेक करना चालू है। इसमें नागपुर स्टेशन में 2009 की एक केस थी 379 की 57/2009 उसका क्राइम नंबर। उसमें तीन आरोपी थे, एक राजेश सिंह, आनंद श्रीवास्तव और एक अजय चावला। उस टाइम ये राजेश सिंह और आनंद श्रीवास्तव ये दो उनको अरेस्ट हो गई थी, लेकिन जो अजय चावला था ये वो उस टाइम पकड़ा नहीं गया था। तो हमने इसको रिकॉर्ड पे लिया। रिकॉर्ड पे लेने के बाद इसका पूरा पब्लिक डाटा जो है जो उसको हमने सर्च करना चालू किया। तो जब ये केस हुई थी तब उसने उसका एड्रेस बिहार बताया था, बिहार में पटना के पास। लेकिन जब हमने ये पब्लिक डाटा उसका ढूंढना चालू किया तब हमको पता चला कि ये पंजाब में लुधियाना इस जहांगीरपुर इसमें रह रहा है करके। तो उस हिसाब से फिर हमने वहाँ पर टीम भेजी और टीम भेजने के बाद वो वहाँ पर मिला और उसको वैसे इस तरह से पकड़ा गया है। वैसे ये तीन लोगों का गिरोह है, अजय सिंह, राजेश सिंह, अजय श्रीवास्तव और ये अजय चावला। इनके ऊपर रेलवे में बैग चोरी के 3-4 घटनाएं दाखिल है। तो इसमें ये आरोपी अरेस्ट नहीं हुआ था, इसके पहले जो 2016 में केस थी उसमें ये अरेस्ट हो गया था, लेकिन 2009 की केस में ये अरेस्ट नहीं हुआ था। तो ये तीनों आरोपी मिलकर ही रेलवे में बैग चोरी करते थे। ये जो कार्रवाई की है, इस कार्रवाई में हमारे PSI भिमटे साहब, हमारे हेड कांस्टेबल पाली, हेड कांस्टेबल धोटे और हमारे पुलिस कांस्टेबल पांते और बाकी स्टाफ, इन्होंने इंफॉर्मेशन निकालना, लुधियाना में जाना, वहाँ पे भी अपने इन्फॉर्मर तैयार करना, ये सब करके इसको पकड़ा गया है। रिकॉर्ड पे जो आरोपी जिनके नाम है, जो फरार है, हम उनका पूरा बैकग्राउंड सर्च करते हैं। उन्होंने जो कुछ एड्रेस दिया है वो एड्रेस में जाके वहाँ के उनके जो नेबर्स है उनको पूछना, वो वहाँ से कहाँ गया है अभी फ़िलहाल में, उसका कोई मोबाइल नंबर मिलता है क्या, वो देखते हैं। उनका पब्लिक डाटा जो है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे मिलती है उसके ऊपर फिर कॉन्सनट्रेट करके उनको पकड़ा जाता है। तो ये पूरे पिछले 2 साल में लगभग हमने 18 या 20 आरोपी ऐसे बार बार स्टेट से पकड़ के लाए हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपुर।